Hello and welcome, my lovely students, my young scholars, my stars and my angels. How are you? Okay, now here I am again for this vocabulary bullets part 10. आज तो बहुत खुशखबरी की बात भी है भाई. आज आपकी LIC AA का वैकेंसीज आ गया है. जल्दी से लग के अच्छी तरह पूरी आत्मा से जुट जाओ और ये आपका इंग्लिश जो है वो 30 मार्क्स का उसमें इंग्लिश आता है और सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है. अपने रीजनिंग और आपका मैथमेटिक्स और आपका इंग्लिश लैंग्वेज, ये इन तीनों चीज़ों से आपका AA का पेपर बनता है और उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ ये वोकैबुलरी पार्ट ही आएगा. अगर आप ये वोकैबुलरी पार्ट कर लोगे वो क्वालिफाइंग 10 नंबर आप बिल्कुल ऐसे चुटकियों में ले आओगे. इज इट क्लियर नाउ? तो जल्दी से फिर विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम आई वुड लाइक टू फिर गिव यू फ्यू मोर वर्ड्स, beautiful words, beautiful sentences, and that will be the great enjoyment. Is it clear? तो जल्दी से हम ले लेते हैं. मेरा पहला जो word है वो है मेरा contort. CONTORT, contort. दोबारा बोलो, contort, contort. Contort का मतलब होता है to become twisted. कंटॉर्ट का मतलब क्या होता है? टू बिकम ट्विस्टेड, मतलब मोड़ देना, किसी चीज को मोड़ना, इज दैट इज कॉल्ड कंटॉर्ट करना. जैसे जब आपको गुस्सा आता है तो आपका चेहरा क्या होता है? गुस्सा आता है तो ऐसे नहीं करते, अजीब अजीब तरह के. अपने मुंह एक बार बना के दिखाओ, आप जल्दी से अपना अपना मुंह बनाइए एक बार फटाफट, कम ऑन. तो हर फेस, हाँ, हर फेस कंटॉर्टेड, कंटॉर्टेड विद एंगर, ANGER. देखो जरा, हर फेस उसका चेहरा कंटॉर्टेड विद एंगर. कुत्ते कमीने, इस तरह से मैं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट इट्स ओके. हर फेस कंटॉर्टेड विद एंगर, है जब आपको गुस्सा आता है तो आपका फेस जो है वो ऐसे हो जाता है. राइट, आगे देखते हैं कोई और वर्ड, एक और बनाए. यू कैन से, अगर मैं इस तरह से बना के देखूं, इट वॉज अ contorted version of truth. It was a contorted version of truth. देखो, ये contorted version हो गया और ये किसका? सच्चाई का. ये क्या हो गया? truth noun हो गया. मतलब उसने जो सच बोला सर वो तो गलत था. मतलब क्या, उसने ना कुछ अपनी बातें उसमें मिक्स करके और फिर दोबारा बता दी. तो ये आई होप आपको contort का मीनिंग समझ में आया. आई होप यू गॉट, क्लियर है? अगला वर्ड देखो, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं. अगला एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं वेलवटी, VELVETY, वेलवटी. वेलवटी का मतलब क्या होता है? बहुत ही स्मूथ एंड सॉफ्ट. समझ में आया? वेलवटी. अब जैसे इसको आप कई बार, कईयों की स्किन जो होती है वो बहुत ही स्मूथ होती है ना, सॉफ्ट होती है, जैसे आप टच करते हो आपको बड़ा अच्छा लगता है. देन यू कैन से यू हैव अ वेलवेटी स्किन, यू हैव अ वेलवेटी स्किन. और यू कैन से बेबीज, आप बोल सकते हो ना, आप ऐसे बेबीज हैव, Babies have velvety cheeks. छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप बोल सकते हो ना, हाँ, छोटे से जो भी अनाथ सा बच्चा होता है उसको क्या करते हो आप? ऐसे 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 उसके गालों करते रहते हो, करते हो ना. तो they have velvety cheeks. I hope you got the point. Velvety का मतलब क्या होता है? Smooth हो गया, soft हो गया, that is called what? Velvety. I hope you got. अगला देखो, एक word देखो, snazzy. एक वर्ड क्या हो गया? स्नेजी. स्नेजी क्या होता है कौन बताएगा? स्नेजी क्या होता है कौन बताएगा? स्नेजी होता है फैशनेबल. स्नेजी क्या होता है? स्नेजी होता है क्या? फैशनेबल. आई होप यू गॉट द पॉइंट, क्लियर है? फैशनेबल, राइट. आप इसको बोल सकते हो मॉडर्न, बोल सकते हो आप इसको स्नेजी को, और क्या बोल सकते हैं? मॉडर्न बोल सकते हैं. जैसे स्नेजी, snazzy pair of jeans, right? Neha wore a snazzy top.
बोल सकते हो कि नहीं ऐसे? ये बड़े कॉमन सेंटेंसेस हैं जो आपके आपकी कॉमन लाइफ में यूज होते हैं, समझ में आया? ये कॉमन पार्लेंस में यूज होते हैं आपके, अगर आप इनको लर्न कर लोगे, जैसे किसी भी इंसान ने आपको ये वर्ड बोला, आपको बड़े अच्छे तरीके अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा ना फिर आपको कुछ। अभी आपको पता नहीं क्या कौन क्या बोल रहा है, जब आप ये बोलते हो यार क्या बढ़िया टॉप है यार, अभी भी तो बोल सकते हो हे यू आर स्नेजी टॉप, आप ऐसे बोल सकते हो। टॉप क्या हो गया? नाउन। स्नेजी क्या हो गया? एडजेक्टिव। आई होप यू गॉट द पॉइंट। वेलवेटी क्या होता है? स्मूथ एंड सॉफ्ट। स्नेजी क्या होता है? फैशनेबल एंड मॉडर्न। आई होप यू गॉट। क्लियर है? चलिए जल्दी से आगे वर्ड देखते हैं। आगे देखिए, एक वर्ड इसमें होता है एस एन ए आर एफ। अगर आपको याद हो, मैं आपको पहले एक वर्ड दे चुका हूँ, उस वर्ड का मीनिंग भी सेम है, तो मीनिंग इसका है टू ईट एंड ड्रिंक क्विकली। और अगर मैं आपको याद हो तो मैंने इससे पहले वाले जो सीरीज में मैंने आपको एक वर्ड दिया था, एंड दैट वर्ड इज गजल, GUZZLE, गजल। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो दोनों का मतलब क्या हो गया? एक ही तो हो गया, स्नाफ टू ईट एंड ड्रिंक क्विकली, गजल्ड। एंजल स्नाफ्ड स्नाफ्ड अप द फुल बनाना। ठीक है ना, आपने किसी को अपने किसी को एक बनाना दिया, और कोई आदमी बनाना को ऐसे आहिस्ता नहीं खाता, वो एकदम से खा लेता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? यार यू स्नैप्ड अप द फुल बनाना, यू स्नैप्ड अप द फुल सैंडविच, यू स्नैप्ड अप द फुल पिज्जा। आप ऐसे बोलते हो, इसे इस तरह से बोल सकते हो, एंजल स्नैप्ड अप द फुल बनाना। क्या मतलब हो गया? स्नेजी इसका, ये आपका स्नैप का मतलब हो गया। स्नेजी, स्नेजी क्या होता है? स्नेजी होता है आपका फैशनेबल होता है, मॉडर्न होता है। गजल क्या होता है? टू ईट एंड ड्रिंक क्विकली, गजल्ड द फुल बनाना, आप ऐसे बोल सकते हो। आई होप यू गॉट द पॉइंट। एक और वर्ड मैं लेता हूँ, और इस वर्ड को हम बोलते हैं, आपको मुझे पता नहीं आप कितने लोग इसको अच्छी तरह प्रोनाउंस करोगे, दैट वर्ड इज, ये वर्ड आपको पता तो है मुझे लग रहा है, जहां तक आपको पता होगा, लेकिन अगर मैं बात करूँ ना, ये वर्ड इसको बोलते क्या है पता है? इस वर्ड को क्या बोलते हैं? इस वर्ड को हम बोलेंगे, दैट विल बी एक्सटेम्परी। क्या बोलते हैं इसको? एक्सटेम्परी, इट्स नॉट एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्परी। बोलो मेरे साथ साथ बोलो, एक्सटेम्परी। या इसको हम और भी बोलते हैं, जैसे एन एक्सटेम्परी परफॉर्मेंस, एक्सटेम्परी परफॉर्मेंस। अगर मैं इसको ही आपको एक और मीनिंग दे दूं, इसको एक और, इसको बोलते हैं इम्प्रोम्प्टू, आई एम पी आर ओ एम पी टी यू, राइट, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, आई एम पी आर ओ एम पी टी यू, इम्प्रोम्प्टू, इम्प्रोम्प्टू एक्सटेम्परी, इम्प्रोम्प्टू एक्सटेम्परी, इम्प्रोम्प्टू एन इम्प्रोम्प्टू पार्टी। यार इट वॉज एन इम्प्रोम्प्टू पार्टी, इट वॉज एन इम्प्रोम्प्टू पार्टी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। क्लियर है? इम्प्रोम्प्टू का मतलब क्या हो गया? दो सर, दो, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड विदाउट प्रिपरेशन, डन विदाउट प्रिपरेशन, इनको क्या बोलते हैं? डन विदाउट प्रिपरेशन। जब आप किसी चीज़ को प्रिपरेशन नहीं करते, ऐसे ही बोल देते हो किसी को, और उसको बोलते हैं एक्सटेम्परी स्पीच, इम्प्रोम्प्टू स्पीच, एक्सटेम्परी स्पीच, इम्प्रोम्प्टू पार्टी। ये वर्ड आपको याद करना है, इसको यूज करना है, तभी आपको याद होगा ये, फिर आप इसको अपनी कॉमन लैंग्वेज में यूज करने लग जाओगे बच्चों। और ये इस तरह के वर्ड से आप देखना, कभी आपको अनसीन पैसेज मिलेगा, कभी आपको क्लोज पैसेज मिलेगा, इस टाइप से फिर आपका ये थोड़ा सा काम अच्छा हो जाएगा, राइट। अगला वर्ड देखो, ब्यूटिफुल वर्ड, बी ई डी एल ए एम, बी ई डी एल ए एम, दैट इज कॉल्ड बेडलम। क्या बोलते हैं इसको? बेडलम। बोलो मेरे साथ साथ बोलो, बेडलम, बेडलामा, बेडलामा नहीं, इट्स बेडलम। दिस इज एक्सटेम्पोरी, इट्स इम्प्रोम्प्टू, एक्सटेम्पोरी, इम्प्रोम्प्टू, बेडलम। बेडलम होता है स्टेट ऑफ ग्रेट कंफ्यूजन, अ स्टेट ऑफ ग्रेट कन्फ्यूजन, अ स्टेट ऑफ ग्रेट कन्फ्यूजन, उसको क्या बोलते हैं? बेडलम।
अ स्टेट ऑफ ग्रेट कन्फ्यूजन. कुछ भी बनाओ, देखो आप किसी की शादी पे जाते हो, उसके घर जाते हो, हाँ हल्ला गुल्ला ये वो मचा रहता है ना शादी में अगर आप जाते हो, राइट. देन यू कैन से दैट यार इट वॉज बैडलम एट हिज हाउस ऑन द डे ऑफ वेडिंग. अब यू कैन से दैट राइट इट वॉज बैडलम. At his house on the day of the wedding. शादी के दिन जो यार क्या confusion था उनके घर में. You can say that, right? It was bedlam at his house on the day of the wedding. I hope you got the point. It was bedlam at his house on the day of the wedding, right? और एक वर्ड, अब मैं दो इकट्ठे ये वर्ड यूज़ होते हैं, मैं आप लोगों को कराना चाहता हूँ. बिल्कुल आप हम इसको करेंगे, इनके अंदर कन्फ्यूजन है उसको दूर कर लेंगे. एक वर्ड होता है डबल क्रॉस. क्या मतलब होता है इसका, पता होगा आपको कहीं बच्चों को, ये वर्ड बताओगे ज़रा क्या होता है डबल क्रॉस का मतलब बताएगा कोई? डबल क्रॉस होता है क्या, टू चीट समबडी, किसी को धोखा देना. टू चीट समबडी, धोखा देना. जैसे शी डबल क्रॉस्ड द रेस्ट ऑफ द गैंग एंड disappeared with all the money. How beautiful the sentence is. इसको चार पांच बार लिख के देखना घर पे, ठीक है, अच्छी तरह लिख लेना. ओके, गॉट इट ना या माय लवली स्टूडेंट्स, राइट. शी डबल क्रॉस्ड द रेस्ट ऑफ द गैंग एंड disappeared विद ऑल द मनी. ये सेंटेंस मुझे एज इट इज बोलो, चलो मुझे बोलो. She double crossed the rest of the gang and disappeared with all the money. आप इसे बोल सकते हो, she double crossed the rest of the gang and disappeared with all the money. Double cross कर लेना, cheat कर देना. Is it clear? आगे देखो, अगले और एक और double से एक और sentence बनाएंगे. एक होता है आपका double date. क्या होता है double date? उल्टा मतलब मत निकाल लेना. डबल डेट क्या होता है कि एक इंसान दो दो डेट कर रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है. डबल डेट का मतलब होता है, यू कैन से व्हेन टू कपल्स को, ठीक है ना, आप डेट पे जाते हो, ये एक और ये दूसरा, एक कपल हो गया, फिर ये दूसरा और ये एक और कपल हो गया. जब ये दोनों के दोनों कपल किसी डेट पे जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डबल डेट बोलते हैं. अरे समझ में आ गया क्या बच्चों? हाँ, इसको क्या बोलते हैं, डबल डेट. दे वेंट ऑन अ डबल डेट, राइट, इट वॉज अ डबल डेट. डबल डेट क्या, व्हेन टू कपल्स गो. व्हेन डबल डेट क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, व्हेन टू कपल्स गो. क्लियर है? हाँ बच्चा, चलो आगे देखो. एक और वर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड डबल डच. DOUBLE DUTCH. डबल डच क्या होता है, अ पीस ऑफ राइडिंग राइटिंग या स्पीच दैट इज डिफिकल्ट to understand. क्लियर है? कोई ऐसी लैंग्वेज जो आपको समझ ना आए, स्पीच और राइट, दैट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डच. इट वॉज ऑल डबल डच फॉर मी. क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, इट्स ऑल डबल डच फॉर मी. आप ऐसे बोल सकते हो, राइट. ए पीस ऑफ राइटिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड वॉट, डबल डच. डबल डेट क्या होता है, वेन टू कपल्स गो. एक और वर्ड हमने यूज़ किया था, उसको क्या बोलते हैं भाई, डबल क्रॉस कर देना. डबल क्रॉस क्या होता है सर, टू चीट समबडी, किसी आदमी को धोखा देना. कंटॉर्ट क्या होता है, कंटॉर्ट का मतलब होता है सर ट्विस्ट कर देना. ही कंटॉर्टेड माय आर्म लाइक दिस, समबडी कंटॉर्टेड माय आर्म. विडी इज कंटॉर्टिंग हिज आर्म, यू कैन से दैट, राइट. कंटॉर्ट का मतलब क्या होता है, मोड़ना.
कंटोर्टेड वर्शन ऑफ द ट्रूथ, यू कैन से दैट, है ना, सच को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है योर ऑनर. द ट्रूथ इज, दिस इज द कंटोर्टेड वर्शन ऑफ द ट्रूथ, यू कैन से दैट, राइट. बेडलम क्या होता है? अ सीन फुल ऑफ नॉइस, राइट, ग्रेट केओस नॉइस जहाँ पर हो उसको क्या बोलते हैं? बेडलम बोलते हैं. स्नैजी, स्नैजी का मतलब क्या होता है? फैशनेबल होता है. एक वर्ड मैंने बताया था स्कजी, SCUZZY, कोई बताएगा स्कजी का मतलब क्या होता है? डर्टी, गंदा. स्कजी क्या होता है? डर्टी. और एक मैंने बताया था स्नैजी, ठीक है. तो इस वाले मेरा जो ये सीरीज था इसमें इतना ही. आई होप आपको ये वीडियोज लाइक अच्छा पसंद आया होगा. आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से एक नौकरी ले लीजिए और फिर हमारे पास आइए, हमें मिठाई खिला दीजिए, राइट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. जय हिंद.